Hi guys, this is Chaitra and welcome back to my YouTube channel. If you are new here, then please spare a moment and hit the subscribe button. And today we are finally gonna do the Bangkok haul video. मैं बैंकॉक से दिसंबर में आई हूँ, लाइक दिसंबर 10th के पहले ही मैं आ गई थी. एंड टुडे इज मार्च 2nd. ओह माय गॉड, इतने टाइम तक मैंने ये शूट ही नहीं किया. मैं बहुत बिजी थी बाकी सब शूट्स को लेके, सो पता नहीं मेरे दिमाग से कैसे निकल गया, बट देयर इज दिस लगेज इन माय रूम जो हमेशा मुझे याद दिलाता था कि इसमें सब बैंकॉक के कपड़े हैं एंड आई हैव टू फिल्म इट राइट अवे फॉर यू गाइस. सो आज मैंने सोचा कि लेट्स क्लीन दिस लगेज, सब वार्डरोब में डाल दूंगी. सो बिफोर आई पुट एवरीथिंग इन माय वार्डरोब, आई जस्ट वांटेड टू शो यू गाइस व्हाट ऑल आई बॉट. ज्यादा कुछ नहीं है एक्चुअली, ज्यादा है बट लेट्स सी व्हाट ऑल वी हैव एंड लेट्स जस्ट स्टार्ट विद दिस ऑल वीडियो. सो लेट्स स्टार्ट विद द पैंट्स फर्स्ट. हमने दो जगह से शॉपिंग की थी, एक प्लैटिनम मार्केट था, सॉरी प्लैटिनम मॉल था एंड प्लैटिनम मार्केट. ये दो जगह बहुत फेमस है बैंकॉक में, तो अगर आप यूट्यूब में कभी सर्च भी करोगे तो ये दो मार्केट का रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा आएगा. एंड आई गॉट टू पैंट्स. अब मुझे ये इतना अच्छी तरह से याद नहीं कि मैंने कौन सा कहाँ से लिया. आई थिंक ये दो पैंट मैंने प्रथुनम मार्केट से लिया था एंड ये दोनों ईच 120 baht है. INR में जो भी कन्वर्ट होगा मैं यहाँ पे डाल दूंगी. आई डोंट रिमेम्बर कि उसने मुझे 100 baht में दिया था क्या 120 baht में दिया था, बट आई थिंक 100-120 के रेंज में था, उससे ज्यादा तो मैंने दिया नहीं. सो लेट्स सी दिस white pant first. So this white pant is surely very nice. I mean it is very chic और ये हर outfit के साथ जाता है, तो white is a must. And इसकी quality भी बहुत ज्यादा अच्छी है. As you can see it is not at all transparent. Honestly speaking I can compare this with my Zara pant because वो भी ऐसी ही quality का है. And yeah, feel, texture सब कुछ मुझे almost similar लगता है. और गाइज मैं ये वीडियो में कोई ट्राई ऑन हॉल नहीं कर रही, बिकॉज अगर मैंने ट्राई ऑन हॉल किया तो बहुत ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा एंड आई रियली डोंट वांट दैट. बट ये बहुत सारे आउटफिट मैंने ऑलरेडी पहने हैं एंड आई माइट हैव सम क्लिप्स और पिक्चर्स, तो मैं यहाँ पे कहीं भी इंसर्ट कर दूंगी, तो आप लोग वो देख लेना. सो यस, दिस वन इज द वेरी फर्स्ट पैंट. नेक्स्ट वी हैव दिस वन. दिस इज अ पर्पल लैवेंडर वॉट एवर यू कॉल कलर, बट इसका जो बॉटम है इट इज लाइक थोड़ा सा ऐसे पेंसिल टाइप, बट इट लुक्स श्योरली वेरी नाइस. ये मैंने मेरे क्रिसमस के ट्रांजिशन रील में पहना था एंड इसका भी प्राइस सेम है 100-120 baht, उससे ज्यादा मैंने दिया ही है. और ये दो अलग अलग शॉप से लिया था मैंने, बिकॉज जो व्हाइट वाला था उसके पास ऐसे कलर्स नहीं थे. एंड या ये कलर मैंने वहां पे देखा एंड आई वाज लाइक आई नीड टू बाय दिस. आई लव कलरफुल पैंट. मेरे पास ऑलरेडी बहुत सारे कलरफुल पैंट्स के कलेक्शन है एंड आई डोंट नो व्हाई ये बर्ड इतना क्यूट चिल्ला रहा है. जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ तब भी सबको चिल्लाना होता है. सो आई एम रियली सॉरी फॉर ऑल दी बैकग्राउंड कंस्ट्रक्शन नॉइज, बर्ड नॉइज, सब कुछ, प्लीज बेयर विद मी. अगेन इसका भी मटेरियल टेक्सचर बहुत अच्छा है, इट इज नॉट ट्रांसपेरेंट एट ऑल. और इसको बहुत अच्छे स्टाइल कर सकते हैं विद व्हाइट टॉप, ब्लैक टॉप. बट या मुझे ये ऐसे वाले कलर का पैंट कब से चाहिए था एंड आई एम ग्लैड आई फाइनली गॉट दिस. ओके, नेक्स्ट वी हैव दिस क्यूट ड्रेस. तो हम लोग प्रथुनम मार्केट ऐसे जब एक्सप्लोर कर रहे थे तो एक अंकल के पास उन्होंने ऐसे हैंगर में डाल के रखा था एंड ये ड्रेस देखता वाज लाइक दिस इज सो क्यूट. मतलब ऐसे कैजुअल डे आउट विद योर फ्रेंड्स, सबके लिए कितना बेस्ट ऑप्शन होगा. एंड आई गॉट दिस ओनली फॉर 80 baht. जब मैंने उनको पूछा है कितने का, ही सेड 80 baht. आई वाज लाइक ओह माय गॉड, इतने कम में ड्रेसेस. आई वाज सो सरप्राइज्ड. आई मीन कैन यू सी द नेकलाइन कितना अच्छा है. इट हैज दिस बो डिटेलिंग. मैंने इसको ऑलरेडी स्टाइल किया है जब मैं अपने पेरेंट्स के साथ विवांता गई थी स्टे के लिए, तब मैंने इसे पहना था एंड इट वॉज लुकिंग सो 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 क्यूट. आई लव दिस बलून स्लीव्स, बहुत अच्छा लगता है. दिस इज अ वेरी क्यूट ड्रेस. काफी शॉर्ट है बट ये बहुत अच्छा लगता है. एंड या सो नेक्स्ट वी हैव दिस शॉर्ट्स. दिस इज अगेन फ्रॉम प्रथुनम मार्केट और ये मुझे मिला था सिर्फ 100 baht में. एंड आई वोर दिस फीफी आईलैंड में, मुझे अच्छे से याद है, मैंने बहुत सारे पिक्चर्स निकाले थे तो वो मैं इंसर्ट कर दूंगी यहाँ पे. इट्स अ वेरी क्यूट शॉट यार, मतलब ज्यादा कुछ नहीं. आई लव दिस डिटेलिंग जो नीचे है यहाँ पे, ऐसे लेस डिटेलिंग उन्होंने दिया है विच इज सो कूल. अगर मैं मुंबई में कहीं पे भी ऐसे ढूंढने जाऊँ ना, मुझे कभी नहीं मिलेगा. आई विश मैंने और कपड़े खरीद लिए होते. मैंने ऑलरेडी बहुत ज्यादा खरीदे कि मुझे एक लिटरली एक बैग खरीदना पड़ा फुकेट से. जब मैं फुकेट गई थी तब मैंने वो बैग लिया था. अगर आपने मेरा ब्लॉग देखा है तो आपने देखा होगा कि मैंने वो बैग 1000 baht में खरीदा था. और ये जितने भी प्रोडक्ट्स मैंने मतलब वहां से मैंने शॉप किया था वो सब मैं वो बैग में डाल के लाई थी. बट नेक्स्ट टाइम अगर मैं बैंकॉक जा रही हूँ तो मैं क्या करूंगी, मुंबई से एकदम खाली लगेज लेके जाऊंगी, बहुत सारी शॉपिंग करूंगी एंड वो बैग भर के लाऊंगी. दैट्स द प्लान. सो या दिस इज फॉर 100 baht.
देन आई हैव दिस रियली क्यूट पाउडर ब्लू ड्रेस, थोड़ा सा आगे से इट इज लाइक कट आउट हियर. अभी तक मैंने इसको स्टाइल नहीं किया है, जस्ट वेटिंग फॉर अ राइट ओकेशन टू स्टाइल. दिस इज वेरी मच लाइक बीची, तो ऑब्वियसली मैं जब अगर बीच वेकेशन में गई या ऐसे ही कोई इवेंट में गई तो आई डेफिनेटली वेयर दिस ड्रेस. इट इज रियली वेरी क्यूट. आई रियली लाइक दिस कट हियर, बहुत अच्छा लग रहा है. अभी ऑन कैमरा ऐसे में दिखा रही हूँ तो नहीं समझ में आएगा, तो जब पहनूंगी तब अच्छे से समझ में आ जाएगा. लेट्स सी मैं इसे कब पहन पाती हूँ. देन आई गॉट दीज क्यूट टॉप्स. ये दो टॉप मैंने एक ही स्टॉल से लिया था, दोनों का टेक्सचर पैटर्न सब कुछ सेम है, सिर्फ थोड़ा सा स्टाइल डिफरेंट है. इसका ऐसे नॉट वाला है लाइक फ्रंट में, जस्ट अ सेकंड में एक एक बताती हूँ. सो ये थोड़ा सा ऐसे, यू कैन सी यहाँ पे ऐसे वी है एंड ऐसे कुछ नॉट है. दिस इज द फर्स्ट टॉप, दिस इज फॉर 50 बाहर. देन वी हैव दिस, ये भी बहुत क्यूट है, मैंने बेनिफिट के रील में पहना था एंड इट हैज दिस वी थिंग ऐसे नीचे, एंड ये भी अगेन टाई अप थिंग है. दोनों का कलर एंड पैटर्न में फर्क है इसीलिए मैंने ये लिया. अगेन दिस इज फॉर 50 बाहर. प्रतिनम में एक छोटा सा स्टोर जैसा था, इट वॉज काइंड ऑफ अ मॉल, नॉट मॉल बट अच्छा खासा स्टोर था. तो वहां पे आई सॉ दीज टॉप, थ्री टॉप्स. वेट आई शो यू कैसे दिखता है. सो इट इज दिस टर्टल नेक वाला थिंग एंड ऐसे है ये. आई नो अभी ठीक से नहीं दिख रहा एंड आई थिंक ये थोड़ा मुझे लूज होने वाला है, पता नहीं इसका फिटिंग कैसे होगा बिकॉज ये अभी तक मैंने पहन के ट्राई नहीं किया है. विल स्टाइल दिस सुपर सून. पीछे से ये पूरा ओपन है, बैकलेस है एंड ये आपके नेक पे आएगा लाइक अ टर्टल नेक. एंड आई थिंक यहाँ पे मुझे थोड़ा लूज होगा, उसको कुछ तो फिक्स करना पड़ेगा. बट द प्राइस दैट आई पेड, जो मैं बताऊंगी अभी, उसके लिए तो ये परफेक्ट था. सो दिस इज द फर्स्ट टॉप फ्रॉम दैट पर्टिकुलर स्टोर. उसके साथ मैंने ये लिया, अगेन दिस इज अ बैकलेस टॉप. ये मैंने रिसेंटली रील में पहना है, आप देख लोगे जब मैं अपलोड करूंगी तब. सो या दिस इज द सेकेंड वन. एंड ये एक टॉप, दिस इज ऑल्सो वेरी क्यूट. मैंने ज्यादा व्हाइट्स बेसिक उठाए थे बिकॉज यू नो बेसिक्स को स्टाइल करना बहुत ईजी हो जाता है, आप पैंट के साथ, स्कर्ट के साथ, ड्रेस अप ड्रेस डाउन कुछ भी कर सकते हो. सो इसलिए मैंने सोचा यू नो बेसिक्स ज्यादा उठाती हूँ. अगेन दिस इज अ व्हाइट टॉप, पीछे ओपन है, इट इज अ बैकलेस टॉप एंड यहाँ पे ऐसा नॉट डिटेलिंग है, नॉट बांधना है. सो दीज थ्री टॉप फ्रॉम द सेम स्टोर, आई गॉट इट फॉर 75 बाहर. मतलब तीनों का मिला के मुझे 75 बाहर में बोला. शी कोटेड 150 बाहर बट मैंने बार्गेन करके 75 बाहर में ये तीन ले लिया. लाइक इट्स अमेजिंग डील, लिटरली लाइक 75 बाहर कितना होता है, अराउंड 170 रुपीज में थ्री टॉप, वो भी इतनी अच्छी क्वालिटी. एज यू कैन सी इट इज वेरी थिक, सो बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंट नहीं है. यू कैन स्टाइल इट इन मल्टीपल वेज एंड या 75 बाहर फॉर दीज थ्री, इट्स अ गुड डील. वापस से आई हैव कपल ऑफ टॉप्स आई थिंक, और चार टॉप है. ये मैंने सेम स्टोर से लिया था. ये जो नॉट डिटेलिंग है वो बहुत ज्यादा क्यूट लग रहा है. सो यस 50 फॉर दिस वन. अगेन दिस इज फॉर 50, मैंने सेम स्टोर से लिया था एंड इट हैज दिस टाई अप थिंग जो आप अपने वेस्ट पे बांध सकते हो. आई वोर दिस फॉर न्यूट्रोजना कैंपेन. इसका सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि दिस एरिया जो फ्रंट एरिया है इट इज वेरी शॉर्ट, मतलब कुछ कवर नहीं करता. सो आई विल हैव टू वेयर अ इनर. तो मैं सोच रही हूँ कि इसको ना अपने ब्लेजर के साथ स्टाइल करूँ बिकॉज एज इट इज अगर वीडियो में मुझे अगर इतना ही दिखाना है विद अ इनर आई कैन वेयर इट, बट आई थिंक बाहर बाहर जाने के लिए आई हैव टू स्टाइल इट विद अ ब्लेजर बिकॉज यहाँ पे ऑन कैमरा जब मैं ले रही थी तो मुझे लगा कि काफी बड़ा है, बट वेन यू वेयर इट ना थोड़ा वो श्रिंक हो जाता है, उसकी वजह से ज्यादा कवर नहीं कर पाता. बट या दिस अ वेरी क्यूट टॉप एंड मैं इसको कैसे भी ब्लेजर के साथ, श्रक के साथ या ऐसे भी स्टाइल कर सकती हूँ विद अ प्रॉपर इनर. सेम शॉप से आई गॉट दिस टॉप, ये भी बहुत क्यूट है. इट हैज दिस की होल वाला नेकलाइन विच इज सो क्यूट और इसका कलर भी मुझे बहुत अच्छा लगा. आई डोंट रिमेम्बर मेरे पास ऐसे लाइट ग्रीन शेड में कुछ है, आई गेस ड्रेस है. टॉप तो मेरे पास फॉर श्योर नहीं था तो इसलिए आई हैड टू पिक दिस अप. तो ये है फोर्थ टॉप फ्रॉम दी सेम स्टोर जो 50 बाहर में मुझे सब बेच रहे थे. आई लव दी पाउडर ब्लू कलर, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है. इट हैज दिस फ्रंट ओपनिंग सो इफ यू वेयर लाइक अ रियली नाइस ब्रालेट और बैंड यू टॉप इट विल लुक अमेजिंग. सो या दिस वॉज अगेन फॉर 50 बाहर. एंड देन आई गॉट दिस क्वाड सेट, आई गेस ये मैंने प्लैटिनम मॉल से लिया था. इसको मैंने रिसेंटली स्टाइल किया था सो आई एड अ पिक्चर हियर, तो आप देख लेना कैसे दिखता है. आई श्योरली लव द टॉप एंड इसकी जो क्वालिटी है ना, सब मतलब ओवरऑल जितने भी आइटम्स मैंने लिए सबकी क्वालिटी इतनी अच्छी है. इट इज थिक, लाइक नॉट दैट थिक यू नो यू फील अनकंफर्टेबल. इट इज लाइक डिसेंट बट इट इज नॉट एट ऑल ट्रांसपेरेंट. या इसका ये टॉप है, एक सेकेंड लेट मी जस्ट फिगर दिस आउट. सो दिस इज अ टॉप जो फ्रंट में ऐसे कट आएगा एंड देन यू हैव टू वेयर इट विद द शॉर्ट. तो यू कैन स्टाइल दिस बोथ टुगेदर और इंडिविजुअली कैसे भी स्टाइल कर सकते हैं. तो कॉर्ड सेट का यही फायदा होता है, ऐसे ही बाहर जाना होगा फॉर ब्रांच और ऐसी आउटिंग,
this is a perfect outfit and I got this for 200 baht. Then I got this. एक्चुअली सभी मेरे फेवरेट है बट ये मुझे थोड़ा और ज्यादा पसंद है. इसको मैंने पीपी आइलैंड पे पहना था. पिक्चर वीडियो में यहाँ पे इंसर्ट कर दूंगी. इट इज सो हॉट, लाइक रियली वेरी हॉट. दिस इज अ स्कर्ट. इसमें ऐसे टाई अप थिंग है जो साइड से बहुत अच्छा लगता है. वीडियो में देख लेना. तो ऐसे ही ऐसे टाई होता है तो साइज का भी इशू नहीं है. कितने भी साइज के लोग इसमें आराम से फिट आ सकते हैं. यू जस्ट हैव टू डू दिस एंड बांध लेना. सो ये कॉर्ड सेट था एंड उसके साथ मुझे ये ब्रालेट मिला एंड दिस वाज फॉर ओनली 150 भात. लाइक 150 भात में शीएन जैसा आउटफिट, इट्स अ गुड डील. सो या ये ब्रालेट मैं ऑब्वियसली यहाँ पे मुंबई में नहीं पहन सकती हूँ बट जब मैं पीपी आइलैंड में थी तब मैंने इसको स्टाइल किया था एंड इट वॉज लुकिंग स्टनिंग. रील भी मैंने पोस्ट किया था. यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन इट एंड आई लव दिस कलर. दिस ऑरेंज कलर सो परफेक्ट, लाइक समर के लिए एकदम ही ज्यादा परफेक्ट है. आई कैन स्टाइल दैट स्कर्ट हियर इन मुंबई विद टॉप या व्हाटएवर. बहुत वर्सेटाइल पीस है ये. मैं कैसे भी उसको स्टाइल कर सकती हूँ बट विद दिस टॉप मुझे ना वापस एक बीच वेकेशन में जाना पड़ेगा इसको स्टाइल करने के लिए. एंड आई लव हाउ इट हैज दिस टाई अप थिंग. बहुत अलग ही मटेरियल का है. थोड़ा सा रबरी लग रहा है विच इज रियली नाइस. मतलब बहुत अच्छे से बैठता है. जब मैंने इसको टाई किया था कंफर्टेबली था, बहुत टाइट और सिक्योर था. सो दैट इज इम्पॉर्टेंट. सो यस, दिस was for 150 baht. Finally, last part of clothing. ये मैंने प्रत्युनम मार्केट या प्लेटिनम मॉल से नहीं खरीदा. इसको मैंने खरीदा था ग्रैंड पैलेस के सामने एक शॉप है वहां से. बिकॉज जो ग्रैंड पैलेस में हमने आउटफिट पहना था दैट वॉज नॉट अप्रोप्रिएट. उनको ऐसे फुल कवर वाला आउटफिट चाहिए था. सो वी थॉट यू नो वाई नॉट ट्राई समथिंग दैट इज फ्रॉम थाईलैंड इटसेल्फ. तो इनका ये टिपिकल स्टाइल है जो मैंने पहना था एंड आई लव दिस. आई लव द प्रिंट और ये जो टैसल डिजाइन उन्होंने हाथ पे दे रखा है लेस का. इवन दिस इज सो अमेजिंग. इट फिट्स परफेक्टली. ये जो वेस्ट के पास ये जो रबर वाला है इट इज वेरी स्ट्रेचेबल. सो जो भी साइज आपका होगा आप आराम से इसको पहन सकते हो. इट वॉज फॉर 250 भात और हमने बार्गेन नहीं किया और वो करने भी नहीं वाले थे. एंड इट इज लाइक दैट ट्रेडिशनल ड्रेस एंड इसका डिजाइन भी अच्छा. आई न्यू आई विल बी स्टाइलिंग दिस हियर इन मुंबई इटसेल्फ फॉर एनी इवेंट और फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना होगा या बीच में जाना होगा तो आई कैन डेफिनेटली वेयर दिस. सो या दिस वॉज फॉर 250 भात. ओके, लेट्स क्विकली मूव ऑन टू द एक्सेसरीज पार्ट. मेरे पास काफी ज्यादा एक्सेसरीज है इसलिए मैं सब क्विक क्विक बताऊंगी. एज सून एज वी रीच प्रत्युनम वी सॉ दिस गाय सेलिंग दिस सनग्लासेस विच लुक सो कूल. इंडिया में स्ट्रीट शॉपिंग में भी अगर जाओगे तो आपको 300 में तो ये मिले जाएगा. वी गॉट दिस ओनली फॉर 50 भात. दिस लुक्स सो कूल. मैंने इसको ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोज में स्टाइल किया है. दिस इज हाउ इट लुक्स, 50 भात ईच एंड आई थिंक इट्स अ प्रीटी गुड डील. इट इज नॉट चीप क्वालिटी एट ऑल. बहुत ही अच्छा स्टर्डी है. मैंने 4-5 बार तो यूज किया है, कुछ भी नहीं हुआ यार इसे. एंड या 50 भात ईच. आई ऑल्सो पिक 2 मेकअप. मैंने ज्यादा मेकअप नहीं उठाया बिकॉज मुझे बहुत चीप लग रहा था क्वालिटी. आई वॉज नॉट श्योर बट प्लेटिनम मॉल में मैंने ये ब्राउ पैलेट देखा एंड आई वॉज लाइक आई नीड टू गेट दिस. बहुत ही ज्यादा क्यूट था. मैंने मुझे लगता है मैंने ना सिर्फ पैकेजिंग के लिए लिया है. यूज करूंगी या नहीं आई एम नॉट रियली श्योर बट द पैकेजिंग इज रियली वेरी क्यूट. कैन यू सी दिस एक सेकेंड. हाँ तो ये देखो यार, ये ऐसे व्हाट डू यू कॉल टेडी बेयर शेप में से पैकेजिंग था तो मैंने बोला मुझे लेना ही चाहिए. और ये है आई शेडो पैलेट. इट हैज सॉरी आईब्रो पैलेट एंड इट हैज 3 शेड. मेरे आईब्रोज काफी डार्क है सो आई थिंक आई कैन एटलीस्ट यूज दिस शेड. आई डोंट नो मतलब सूट होगा या नहीं बट एटलीस्ट मैं इसको एज आई शेडो भी यूज कर सकती हूँ. मेन रीजन मैंने इसको सिर्फ पैकेजिंग के लिए खरीदा है. मीन लुक एट दिस यार, ऐसे क्यूट पैकेजिंग इंडिया में क्यों नहीं मिलता. So this was for 80 baht. And I got this lipstick from the same shop. ये मुझे 50 baht में मिला. Look at this packaging. ये मैंने shade कभी try नहीं किया है but ये इतना cute है. मुझे इतना cute लगा कि मैंने cuteness के चक्कर में ही खरीद लिया. But I think I will wear this. मतलब color बहुत decent है, बहुत अच्छा है. अब ये मैंने अपने bag से निकाल लिया था. ये haul film करने के लिए मैंने सब कुछ एक bag में डाल के रखा था. आज ये मैंने bag से निकाला है तो I'll start wearing this. But yeah, 50 baht, it is so cheap. I don't know the quality यार, मतलब I hope ऐसे कुछ हो नहीं but looks cute. It is from the brand Kiss Beauty, जिसके बारे में मैंने आज तक कभी कुछ नहीं सुना. अगर आपने सुना तो मुझे बताना. And the shade is 06. Oh wow, इतना क्यूट है ये पैकेजिंग. लुक एट दिस टाइनी हार्ट. मतलब अगर मैंने नहीं भी यूज किया ना मैं इसको अपने वैनिटी में शो के लिए रखने वाली हूँ. वी हैव बंच ऑफ एक्सेसरीज.
यू शुड नेवर कैरी प्लास्टिक, बट उन्होंने मुझे प्लास्टिक में दिया एंड एट दैट मोमेंट आई हैड नो ऑप्शन, तो मैंने ये सब प्लास्टिक में डाल लिया. और जो भी एक्सेसरीज मैं बता रही हूँ वो सिर्फ 20 भात के है. सो ये वाला जो है ये मैंने प्लैटिनम मॉल से लिया था, और ये जो है ये प्रतिनम मॉल से लिया. सो लेट मी जस्ट क्विकली शो यू मैंने क्या क्या लिया. फर्स्ट इज दिस सेट ऑफ सिक्स सेट ऑफ इयरिंग जो मंडे ट्यूजडे वेनेसडे ऐसे लिखा है इसमें. आई डोंट नो इफ यू कैन सी, बट ऐसे लिखा मंडे ट्यूजडे वेनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे. संडे कुछ नहीं पहनना है. वाओ नाइस, दिस लुक्स वेरी क्यूट. इसमें स्टार है, पर्स है, हार्ट है, बहुत कुछ है, फ्लावर्स है. मैं जनरली से छोटी इयर रिंग्स नहीं पहनती, बट दिस लुक्स वेरी क्यूट एंड आई थिंक आई एम गोना गिव दिस टू माय कजिन्स. देन वी हैव दिस पर्पल इयर रिंग अगेन फॉर 20 भात. देन वी हैव दिस क्यूट इयर रिंग जो शिनेल वाला वाइब दे रहा है, बट इट इज नॉट शिनेल बट लुक्स क्यूट. क्यूट के चक्कर में ही मैंने इसे खरीद लिया. कोई वीडियो में पहन के स्टाइल कर लूंगी इसलिए मैंने ये ले लिया एंड प्लस इट वॉज जस्ट फॉर 20 भात, सो वाई नॉट. देन आई हैव दिस, इसमें बहुत सारे हुप इयर रिंग्स है, मतलब टोटल 4 इयर रिंग्स है फॉर 20 भात. मतलब कुछ भी लो आप, इंडिविजुअल लो, सेट में लो, सबका प्राइस सेम था, जस्ट 20 भात. देन आई गॉट दीज टू क्लिप, बहुत ज्यादा अच्छा है, मैंने आज तक इसको कभी पहना नहीं है, बट यू कैन जस्ट स्टाइल इट लाइक दिस, इट लुक्स वेरी क्यूट. आई थिंक ये ना मैंने मुंबई में भी देखा था, आई थिंक मैंने H&M में देखा था, किधर याद नहीं आ रहा है, आई थिंक H&M में देखा होगा. वो कुछ 899 का समथिंग था एंड ये मुझे सिर्फ 20 भात में मिला. 20 भात इज 45 रुपीज. काफी ज्यादा इयरिंग है, मैं फटाफट बता देती हूँ. वी हैव दिस ऑरेंज वन, ये वाला तो मेरा फेवरेट है, इसको मैंने एटलीस्ट 3 बार पहना है. लुक्स सो गुड, उसका शाइन जो है मैंने न्यू ईयर के आउटफिट में पहना था, बहुत अच्छा शाइन कर रहा था. अगेन फॉर 20 भात. देन वी हैव दिस वन, ये भी काफी क्यूट है. इयरिंग्स खत्म ही नहीं हो रहे, और एक बैग है इयरिंग्स का, तो जल्दी जल्दी देख लेते हैं. इज अ वेरी क्यूट गोल्डन हुप. दिस इज अगेन माई फेवरेट, ये मैंने क्रिसमस के टाइम पे पहना था, रेनडियर वाला इयर रिंग, अगेन फॉर 20 भात. देन वी हैव दिस व्हाइट वाला इयर रिंग, इसका जो ये जो होता है जिससे हम पहनते हैं वो निकल गया, तो मुझे इसको फेविक्विक से स्टिक करना पड़ेगा, बिकॉज ऑफ विच मैंने आज तक ये स्टाइल नहीं कर पाई, बट अब ये मैं इसको अच्छे से फेविक्विक से चिपका दूंगी. अगेन वी हैव दिस सिल्वर हुप जो एक सेट में मैंने देखा था बट मेरे दिमाग से निकल गया, तो पता नहीं ये क्यों मैंने वापस ऐड किया. जब पैसे दे रही थी तब दिख गया, बट देन आई वॉज लाइक ठीक है यार, दो हो गया तो किसी और को दे दूंगी. बट या अगेन फॉर 20 भात. देन वी हैव दिस ट्रांसपेरेंट हुप, इस तरफ से दिखा देती हूँ. इसका पैक पता नहीं, मैंने यूज किया था तो ऐसे ही रख दिया. एंड लास्टली वी हैव दिस वन, लास्टली मतलब जो प्लैटिनम मॉल से हमने इयर रिंग्स खरीदा था उसमें से ये लास्ट. इट्स अ वेरी क्यूट ब्राउन वाला हुप इयर रिंग, सो क्यूट यार, ये भी मुझे सिर्फ 20 भात में मिला. और इसके अंदर कुछ नहीं, ओके आई कैन सी दीज टू पैकेट. जो इयर रिंग्स मैंने दिखाया वो मैंने यूज किया था, सो पैकेट में रखना भूल गई, ऐसे ही रख दिया. आई होप यू गाइस आर स्टिल हियर वॉचिंग दी व्लॉग. आई प्रॉमिस दिस वन इज दी लास्ट पैकेज. आई नो हॉल वीडियोज बहुत लॉन्ग हो जाता है बट मुझे इतना लॉन्ग नहीं रखना है, सो आई क्विकली शो यू वॉट आई हैव इन द लास्ट पैकेज. सो अगेन वी हैव दिस सिल्वर हुप इयरिंग, वो पहले वाले से बहुत ही अलग है ये. इट इज काइंड ऑफ थिक, काफी थिक है ये और हैवी भी है फॉर 20 भात. इट इज अमेजिंग. अगेन वी हैव अ गोल्डन हुप इयरिंग. क्लियरली आई एम ऑब्सेस्ड विद हुप इयरिंग्स. पहले भी एक गोल्ड लिया था बट उसका डिजाइन थोड़ा अलग था, वो थोड़ा ऐसे ऐसे था और ये थोड़ा अलग है. आई डोंट नो इफ आई मेक एनी सेंस बट इट इज डिफरेंट गाइस, ट्रस्ट मी इट इज डिफरेंट एंड इट इज अगेन फॉर 20 भात. देन वी हैव दिस ट्राइंगल शेप इयर रिंग, इसको भी मैंने काफी बार पहना है और इसका कलर आई थिंक इट इज स्टिल इंटैक्ट, सो अच्छी क्वालिटी का है. ये वाला भी मुझे बहुत अच्छा लगा, इवन दिस वॉज फॉर 20 भात. फर्क नहीं पड़ता कितना भी बड़ा साइज हो, कितना भी छोटा साइज हो, प्राइस सबका सेम मिलेगा. आई गॉट अनदर सिल्वर इयर रिंग, ये भी कुछ अलग पैटर्न का है. इसमें अगर देखोगे तो इट इज लाइक हाफ सर्कल वाला, इट इज नॉट अ फुल सर्कल, यहाँ पे कट हो रहा है एंड द डिजाइन इज रियली वेरी नाइस. कुछ अलग ही टाइप का डिजाइन है बट या इट विल लुक सो गुड विद ऑल योर बेसिक आउटफिट. और अगर कुछ ड्रेसी भी पहना है तो और कुछ वो एलिमेंट ऐड करना होगा, तो दीज काइंड ऑफ इयर रिंग लुक रियली गुड. एंड वी हैव दिस, ये मैंने अभी रिसेंटली शॉपर स्टॉप की वीडियो में पहना था और ये बहुत अच्छा लग रहा था. जब मैंने स्टोरी अपलोड किया था मुझे काफी लोग पूछ रहे थे कि वेयर इज दिस इयर रिंग फ्रॉम. इट्स फ्रॉम बैंकॉक एंड इट इज ओनली फॉर 20 भात. ओके गाइज, लास्ट पीस ऑफ टूडेज हॉल वीडियो, कुछ भी नहीं है, खत्म हो गया. सो या दिस वन अगेन इज फॉर 20 भात. बहुत अच्छा चेन डिटेलिंग यार, ऐसा सिमिलर मैंने H&M में देखा है अभी रिसेंटली जब मैं शॉपिंग करने गई थी तब, एंड इट वॉज फॉर 999 रुपीज.
दिस इज ओनली फॉर 20 baht. ये थोड़ा सा यू नो लाइट वेट भी है, दिखता हैवी है बट इट इज नॉट हैवी एट ऑल. तो पहन के ऐसे हैवी नहीं लगेगा. जो भी इयररिंग मैंने लिए है ना, कोई भी ज्यादा हैवी नहीं है. यू कैन कंफर्टेबली वेयर इट. सो इफ यू एवर विजिट बैंकॉक, जस्ट एक्सप्लोर दर एक्सेसरीज कलेक्शन टू, बिकॉज इट इज रियली नाइस. 20 baht में इतने अच्छे अच्छे इयररिंग आपको कहीं नहीं मिलने वाले. ऐसा लग रहा है कि मैं उनका प्रमोशन कर रही हूँ, जिसके लिए उन्होंने मुझे कोई पैसे नहीं दिए. ओ आई एम सो सॉरी, लास्ट नहीं है, वी स्टिल हैव टू मोर स्टफ. तो मैंने वहां पे फुटवेयर भी खरीदा, सिर्फ दो ही फुटवेयर लिया बिकॉज ज्यादा हैवी हो गया था बैग. सो दिस वन इज द फर्स्ट वन एंड आई गॉट दिस फॉर 250 baht. इसको मैंने काफी बार पहना, इसलिए नीचे से थोड़ा डर्टी है बट ऊपर से इट इज रियली वेरी क्लीन. ये जो म्यूल हील्स है बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है, तो जब मैं वहां पे गई मैंने देखा, मैंने सोचा कि आई नीड टू गेट दिस. दिस वॉज एक्चुअली फॉर माई मम, बट आई थिंक मम्मी से ज्यादा मैंने ज्यादा पहना है इसे. सो आई थिंक ये हम दोनों का है. एंड या दिस वॉज फॉर 250 baht. ओके दिस वन इज द लास्ट वन. ट्रस्ट मी, इसके आगे और कुछ नहीं है. दिस इज माई फेवरेट. ये आप लोगों ने मुझे बहुत बार अभी पहनते हुए देखा होगा, लाइक हर जगह पे मैं इसे पहन रही हूँ, जो भी इवेंट. अब मैं रॉल्फ लॉरेन के भी इवेंट में गई थी, वो ड्रेस के ब्लैक ड्रेस के साथ भी मैंने इसे पैरअप किया था, विच वॉज लुकिंग सो गुड. आई मीन दीज काइंड ऑफ हील्स जो ये ग्लिटरी वाले होते हैं ना, ये सबके साथ बहुत अच्छे से जाते हैं. लाइक इंडियन हो, वेस्टर्न हो, व्हाटएवर यू वेयर, दिस जस्ट गोज सो वेल एंड वाज लुकिंग सो स्टनिंग. एंड द हील्स इज आल्सो वेरी कंफर्टेबल. ये ऐसे ग्लास वाला है, काफी बार पहनने के बाद भी कुछ गंदा नहीं हुआ. एंड अगेन दिस वॉज फॉर 250 baht, समवेयर अराउंड 600 rupees, विच इज सो स्टनिंग. इंडिया में 600 rupees में ऐसे हील्स कहीं पे भी नहीं मिलते यार. सी दैट्स द रीजन व्हाई आई वॉन्ट टू विजिट बैंकॉक अगेन एंड शॉप माई हार्ट आउट. सो या दिस वॉज द लास्ट परचेज. फाइनली ये हॉल वीडियो एंड हो गया है. जितने भी चीजें मैंने खरीदे थे वो सब मैंने आपको बता दिए. आई थिंक मैंने कुछ स्किप नहीं किया है. जो भी आउटफिट मैं यूज कर दी तो मैं बैक के अंदर डाल के रखती थी, बिकॉज मुझे आप लोग को बताना था हॉल वीडियो में. सो या आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस हॉल वीडियो. प्लीज हिट दी लाइक बटन, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड. कोई अगर बैंकॉक जाना चाहता है तो उनको बहुत हेल्प हो जाएगा. दे विल गेट टू नो कि कौन से टाइप के आउटफिट्स, एक्सेसरीज एंड फुटवेयर वहां पे मिलते हैं. And I'll see you again super soon in my next video. Thank you for watching. Bye.